हवाई हमले की एक ऐसी तबाही जिसकी तस्वीरें अमेरिका के घर घर में देखी जा रही है। ब्रिटेन के नेशनल टेलीविजन पर हेडलाइन बनी हुई है और एक धमाका हुआ और यूक्रेन का सबसे बड़ी बांध तबाह हो गए और इस बांध के टूटने से 22,000 लोगों की जान खतरे में है। हालात ऐसे हैं कि ज़ेलेंस्की पर सरेंडर करने का दबाव बढ़ने लगा है। यूक्रेन युद्ध में वो हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। यूक्रेन पर जल आक्रमण हुआ है। तबाही की सबसे भयानक तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध तबाह हो गया है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। कई इलाके डूब गए हैं। आधा खेरसौन खाली हो गया है। दक्षिण खेरसौन में 14 बस्तियां पानी पानी है। 300 घरों को खाली करा लिया गया है। 22,000 लोगों की जान पर बनाई है। यूक्रेन के सैनिकों के हथियारों के गोदामों में पानी भर गया है। यूक्रेन के 80 गांवों के डूबने का खतरा बना हुआ है। बांध कैसे टूटा, किसने तोड़ा, किसने हमला किया, कैसे हमला हुआ, इन सवालों को लेकर यूक्रेन और रूस के अलग अलग दावे हैं। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच जो सामने आया है उसके मुताबिक निप्रो नदी का पानी अब ज़ेलेंस्की की हार की कहानी लिखने वाला है। ज़ेलेंस्की के कैंप में इमरजेंसी मीटिंग का दौर जारी है। सैलाब बम से निपटने की रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि बाढ़ का पानी सैनिकों के कैंप को बाहर ले जाने पर आमादा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस सैलाब से रूस को वो मिल सकता है जो मिसाइल हमलों से नहीं मिला। इस बाढ़ बम से वो हासिल होगा जो टैंक के गोलों से नहीं मिला। बाढ़ से बेतहाशा निकला पानी ज़ेलेंस्की के जीत के सपने पर पानी फेर सकता है। यूक्रेन पर सैलाब सितम से पुतिन के हाफ मून वाला टारगेट पूरा हो सकता है। अब तक दुनिया आग के शोलों से लाल हुए यूक्रेन को देखती आ रही थी। बारूद के विस्फोट की विनाश लीला देख रही थी, लेकिन अब इस डैम तोड़ वॉर ने यूक्रेन के सैनिकों के पलटवार वाले प्लान को तार तार कर दिया है। दक्षिणी यूक्रेन में नीप्रो नदी के एक तरफ रूस की सेना का कब्जा है, दूसरी ओर यूक्रेन की सेना मोर्चा बनाकर डटी हुई है। इसी नीप्रो नदी पर यूक्रेन का सबसे बड़ा कखोवका डैम था। कखोवका डैम पर ही कखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। बांध के टूटने से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी तबाह हो गया है। दक्षिणी यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। आसपास के इलाके के लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। बाढ़ से यूक्रेन की सेना के मोर्चों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस के हमले में नीप्रो नदी पर बना नोवा कखोवका डैम तबाह हो गया, लेकिन रूस ने इस हमले से इनकार करते हुए यूक्रेन पर ही हमले का आरोप लगाया है। रूस का कहना है कि ये काम यूक्रेन का है। цей інцидент це реагування ворога на дії сил оборони. Втомившись очікувати контрнаступу, в них не витримали нерви вочевидь, і вони завдали того техногенного удару, який, в принципі, був заготовлений вже досить давно. Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. कखोवका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूक्रेन के खेरसौन के नोवा कखोवका शहर में है, जो फिलहाल रूस के कब्जे में है। इस डैम को सोवियत दौर में बनाया गया था और नीप्रो नदी पर बनाए गए 6 बांधों में से एक है। कीव से लेकर खेरसौन और ओदेसा तक नीप्रो नदी पर कुल 6 बांध बनाए गए हैं, जिसमें कखोवका सबसे आखिरी यानी छठा बांध था। ये इतना विशाल बांध है कि यूक्रेन के उत्तर से दक्षिणी इलाके तक फैला है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि बांध के पानी से बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा है।
ककोवका बांध से बहुत बड़ी आबादी तक पानी पहुंचता था। इसी बांध से पूरे यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर स्टेशन को कूलिंग वाटर सप्लाई किया जाता है। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अभी रूस के कब्जे में है। बांध के टूटने से पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। अगर ये असर ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट तक भी पहुंचा तो खतरा और गंभीर हो सकता है। Загроза, скоріш за все, пов'язана з рівнем води. Якщо він сягне критично низького рівню, тоді фахівцями будуть вжити аварійні заходи. Зараз цим займаються фахівці, в тому числі і МАГАТ. इसी बांध से रूसी कब्जे वाले क्राइमिया इलाके में भी पानी की सप्लाई होती है, यानी अब वहां भी लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बांध उस वक्त हमले के बाद टूटा है जब यूक्रेन 15 महीने से अधिक की लड़ाई के बाद रूस की सेना को उस इलाके से खदेड़ने के लिए जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसी बांध पर बने रास्ते के सहारे यूक्रेन रूस के सैनिकों पर जवाबी हमला करने वाला था। यूक्रेन के सबसे बड़े बांध पर हमला किसने किया है यह अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है। खेरसोन में आए इस सैलाब से यूक्रेन के हाफ मून लैंड पर कब्जा वाले पुतिन के प्लान को अब और बल मिल गया है। सवाल है, यूक्रेन के आधे चांद पर पुतिन की नजर क्यों है? जमीन का ये कैसा टुकड़ा है जो पुतिन के लिए चांद बन गया है? ऐसा चांद जिसे हासिल करना पुतिन का सबसे बड़ा मिशन बना हुआ है। पुतिन को यूक्रेन का ये चांद हर हाल में चाहिए, बदले में कितना ही बड़ा युद्ध क्यों ना लड़ना पड़े। कब्जे की इस जंग में यूक्रेन का ये चांद अभी ब्लड मून बन गया है। पुतिन की जिद के चलते यूक्रेन का ये पूरा इलाका रोज धमाकों के साथ सोता जागता है। यहाँ युद्ध की तस्वीरें डराने वाली हैं। आखिर पुतिन की नजर यूक्रेन के इस चांद वाले हिस्से पर क्यों टिक गई? पुतिन का मिशन हाफ मून इस वक्त खूनी चांद क्यों बन गया है? पुतिन का मिशन मून पूर्व में खार्किव से दक्षिण में ओडेसा तक वाले यूक्रेन के पूर्वी दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जमाना है। नतीजा ये है, खार्किव से ओडेसा तक 815 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर बम गोले बरस रहे हैं। रूस की फौज पर दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो कामयाबी रूस को उत्तरी यूक्रेन में नहीं मिली वो पुतिन पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन का पूरा फोकस इस वक्त यूक्रेन के मून लैंड पर है, जो पुतिन की सेना के लिए रेड कॉरिडोर बना हुआ है। यूक्रेन में रूस का रेड कॉरिडोर क्या है? क्या ये पुतिन के प्लान बी का हिस्सा है? क्या वो रेड कॉरिडोर तैयार करके पूरी जंग का दायरा ही बदलने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ खड़े हुए हैं क्योंकि बांध के टूटने के बाद दक्षिणी यूक्रेन में अब युद्ध की तस्वीर बदलने वाली है। काउंटर अटैक की पूरी प्लानिंग कर चुके यूक्रेन के लिए बाढ़ बेबसी का सबब बनने वाली है। यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन अपने स्ट्रांग होल्ड यानी वो इलाके जहां रूस का दबदबा है उस पर और जोर लगाना चाहते हैं, और ये है ईस्ट कॉरिडोर यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेस्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियोपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है, और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाले फ्रंट तैयार करना चाहते हैं। 16 महीने के युद्ध के बाद भी यूक्रेन के अंदर करीब 1000 किलोमीटर लंबा वॉर फ्रंट खुला हुआ है जहाँ दिन रात लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से जोड़ना। यह टारगेट रूस की पहली प्राथमिकता है। विदेशी मीडिया की माने तो यूक्रेन युद्ध जीतकर रूस इस लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, और ये जमीनी रास्ता यूक्रेन के जिस हिस्से से होकर गुजरता है उसके पूर्वी दक्षिणी हिस्से पर अगर गौर से देखें तो ये आधे चांद का आकार में दिखता है, जिस पर 100% कब्जा इस वक्त पुतिन की युद्ध में पहली प्राथमिकता बनी हुई है। अगर इस नजरिए से यूक्रेन युद्ध को देखा जाए तो लगता है पुतिन अपने इस लक्ष्य को पाने में कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि अब तक के युद्ध में पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने में सफलता हासिल की है।
अब ये समझ लीजिए यूक्रेन के ओडेसा पर कब्जा क्यों जमाना चाहते हैं पुतिन। ओडेसा बंदरगाह यूक्रेन के मारियोपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया के किसी और हिस्से में पहुंचाना चाहता है तो अगर उसके जहाज मारियोपोल से गुजरें तो उन्हें इन छोटी जल संधियों से गुजरना होगा, जिसे ब्लॉक करना बेहद आसान है। जबकि ओडेसा यूक्रेन का एक ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है, इसलिए रूस की सेना का पहला निशाना ओडेसा बना ताकि हर तरह से यूक्रेन को दुनिया से काट दिया जाए। इसलिए पुतिन की आर्मी ने लगातार ओडेसा के ऊपर दबाव बना रखा है, क्योंकि ओडेसा पर कब्जे का मतलब है पूरे काले सागर पर रूस की फोर्स का वर्चस्व। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है, क्या उसी वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए यूक्रेन के सबसे बड़े बांध को तोड़ दिया गया है।